पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए सियासी दलों के नेताओं ने प्रचार में जोर लगा रखा है, लेकिन शनिवार को सपा के लिए बुरी खबर तब आई जब वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व विधायक सोहलत अली ने सपा से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने अखिलेश यादव और स्थानीय सपा में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। फिलहाल अभी वे किसी भी पार्टी में जाएंगे या किसे समर्थन करेंगे इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। सोहलत अली ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले खुद अखिलेश यादव ने उन्हें सांसद का टिकट देने का वादा किया था, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर भी उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जा रहा था, साथ ही उन पर पार्टी प्रत्याशी के प्रचार का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे आजीज आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे की राजनीति के सवाल को फिलहाल सोहलत अली टाल गए, लेकिन माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। देहात विधानसभा के भोजपुर क्षेत्र में सोहलत अली की पकड़ काफी मजबूत है, जो सपा के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि मतदान से चंद दिन पहले इस्तीफे से इतनी बड़ी उथल पुथल की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये ज्ञापन नहीं है, मैंने आपको एक प्रिंट कॉपी इसकी दी है। ये मेरा समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र है जी। आज मैं अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। कुछ कारण ऐसे रहे जिनसे मेरा मन शुद्ध हुआ, मेरे लोगों का मन शुद्ध हुआ, नाराज हुए लोग, और ख़ास तौर से जो इस वक्त संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो निर्णय हुआ है उसको लेकर के काफ़ी लोग नाराज रहे, क्योंकि एक वादा माननीय अखिलेश जी ने 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय किया था, जिसके भरोसे पे हम समाजवादी पार्टी के मंच पे पहुंचे थे, और उस वादे को 2 साल से बराबर वो हमसे याद दिलाते आ रहे थे, हम उन्हें याद दिला रहे थे और वो हमें याद दिलाया करते थे, और हमें ये पूरी हमें और हमारे लोगों को ये उम्मीद थी कि वो अपना वादा निभाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ भी वजह रही हो, मैं नहीं जानता कि क्या कारण रहा, उन पर कौन सा दबाव रहा, कौन सी उनकी मजबूरी रही, उन्होंने उसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग किया है, मुक्त किया है, क्योंकि इस वक्त चुनाव का समय है और मुझ पर दबाव बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, चुनाव में शामिल होने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए, उनकी मीटिंगों में जाने के लिए, और मैं अपने आप को उसमें असहाय महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई और रास्ता इसके अलावा नहीं था कि मैं पार्टी से अपने आप को मुक्त कर लूँ, अलग हो जाऊँ, ताकि मुझे चैन की सांस मिले और मैं उससे अपने आप को बचा सकूँ, इसलिए मैंने अपना आज त्यागपत्र पेश किया है। क्या वजह थी जो आप सपा छोड़ना? मैंने वजह बताई ना आपको कि माननीय अखिलेश जी ने 2 साल पहले पार्लियामेंट लाने का एक वादा किया था, उस वादे को अपने पूरी तरह ईमानदारी से नहीं निभा पाए, उनकी मजबूरी क्या रही हम इस उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें उसका कष्ट है, हमारे लोगों को नाराज़ी है, और हमारे लोगों का ये सबका मानना है और दबाव है कि आप समाजवादी पार्टी से अब अलग होकर के बैठे, हमें कोई आगे भी भविष्य में अब समाजवादी पार्टी को भरोसा। आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, कि आपको किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का निर्णय है किसी? नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है, ना ऐसा कोई विचार है, ना किसी से कोई बात इस तरह की हुई है, अब अपने लोगों से बैठ कर के राय मशवरा करेंगे, दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, और उसके बाद राय मशवरा लेकर के जैसी सब लोग हमारे राय होगी, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, मेरी अपनी एक टीम है, अपने कार्यकर्ताओं का एक मेरे साथ में वो रहता है, तो मैं उनके मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं लिया करता, तो मैं उनके मर्जी से ही कोई फैसला लूँगा, अगर भविष्य में कोई फैसला लेना होगा तो। आज मैं कोई निर्णय ऐसा